बड़ी खबर अमित शाह के दौरे को लेकर करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब दूसरे दौर की वोटिंग होनी है विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। अमित शाह पहुंचे जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस पर निशाना साधा अमित शाह ने, कहा कांग्रेस एनसी पीडीपी ने आपके अधिकारों को छीना है, 70 साल तक आपके अधिकारों को छीना गया, मोदी सरकार ने आतंकवाद को पाताल में दफनाया है, गोली आई तो जवाब गोले से देंगे। सुनाते हैं आपको क्या कहा अमित शाह ने। भाइयों बहनों, आपका ये अधिकार 70 साल तक किसने छीन कर रखा था? ये कांग्रेस पार्टी और एनसी ने, ये पीडीपी ने छीन कर रखा था। पहाड़ियों को आरक्षण नहीं देने देने का इनका फैसला था। मुझे बताओ, धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो, अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। मैं आपको बताता हूं नौशेरा वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो, नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है, अब दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार चरम पर, इसी को लेकर अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए थे और तीनों विपक्षी पार्टियों को जमकर निशाने पर लिया।